गाइस अगर आप भी एसएक्स मास्टर पे वीडियो को अपलोड करते हैं या फिर बनाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए या फिर आप बनाना चाहते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए। सो गाइस आपको पता होगा कि एसएक्स मास्टर पे वीडियो को अपलोड करने के लिए दोस्तों एक चीज़ को भरना जरूरी है, वो होता है सी परफॉर्मर को कैसे भरते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि दोस्तों सी परफॉर्मर को बहुत सारे लोग नहीं भर पाते हैं, नहीं ऐड कर पाते हैं, ना ही उनका अकाउंट बन पाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप जैसे ही देख लोगे वैसे ही आप सी परफॉर्मर को ऐड कर जाओगे। सो गाइस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको सी परफॉर्मर जब आप वेरीफाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टेज नेम बता रहा है, तो यहाँ पे स्टेज नेम आपको कुछ भी यहाँ पे डाल देना जो आपका मन हो, ऐसा नहीं है जो आपकी आईडी पे ही डालना है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चॉइस फाइल पे आपको पहले नहीं क्लिक करना है, यहाँ से सबसे पहले लिखा हुआ डाउनलोड टेम्पलेट, यहाँ पे देखिए टम्पलेट लिखा है कुछ इस प्रकार से, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से दोस्तों नीचे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों तीन पेज होते हैं, तीन पेज आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। पहले ही दोस्तों नीचे क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट नेम देना, कुछ भी आप जो आपका आईडी पे है वो आपको फर्स्ट नेम दे देना, उसके बाद सेकंड नेम जो आपकी आईडी पे है वो दे देना, उसके बाद दोस्तों मेल है फीमेल वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आप अपनी जो आईडी पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दे देना। उसके बाद दोस्तों कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपनी जो है। उसके बाद दोस्तों नीचे साइड में आईडी नंबर, आईडी नंबर क्या होता है, जैसे कि आप पिन कार्ड से कर रहे हो, फिर पासपोर्ट से कर रहे हो, इंटरनेशनल आईडी से कर रहे हो, किसी चीज़ से कर रहे हो तो उसका एक नंबर होता है, वो यहाँ पर डालना होगा आईडी नंबर। उसके बाद दोस्तों आईडी इशू कंट्री आपको डालना, मतलब किस कंट्री में आपकी आईडी बनी हुई है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो तो आपकी इंडिया में ही आईडी वो बनी होगी, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मांगेगा अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको अपलोड करना होगा आईडी की आगे की फ़ोटो, जैसे कि आपके आधार कार्ड की आगे की फ़ोटो एक अपलोड करनी है फर्स्ट वाले में खींच के। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में पीछे साइड की, मतलब आधार कार्ड के पीछे की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, आप पिन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे वाले में आपको क्या करना है, जिसकी आईडी से आप भर रहे हो, जिसकी आईडी मतलब यूज कर रहे हो, उसको इस प्रकार हाथ में उसका आईडी वही पकड़ा के फ़ोटो खींचना होगा और यहाँ पे अपलोड करना होगा। तीनों चीज़ों में जैसे मैंने बताया वो अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करना है या फिर गैलरी में आप जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट खींच सकते हैं। आप बिल्कुल साफ़ फ़ोटो जब तक नहीं खींचोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक आपके आईडी जो अप्रूव नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको साफ़ फ़ोटो खींचना होगा। उसके बाद दोस्तों तीन पेज जो थे मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है, यहाँ पे मैं आपको तीन पेज कैसे भरना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तीन पेज आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीन पेज आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले पेज में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले पेज में यहाँ पे ऊपर साइड में आपको आ जाना, ऊपर साइड में यहाँ पे नेम देना, जैसे कि आपको नीला पेन का यूज करना है, ऊपर साइड में नेम देना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ऐसे भरना है। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे नेम दे देना। उसके बाद दोस्तों दो बॉक्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले में दूसरे वाले में आपको सही का निशान लगा देना होगा, ये वाला जो निशान है, ये वाला सही वाला, ये वाला सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे लगा देना होगा सेकंड बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे साइड आ जाना है, इस पेज में नीचे साइड में आपको साइन कर देना होगा। फर्स्ट वाले पेज में जितना मैंने बताया तीन चीज़ें वो यहाँ पे कर देना होगी, फर्स्ट पेज में यहाँ पे साइन कर देना नीचे साइड में, और आपको साफ साइन करना है, इंग्लिश में साइन करना है, बिल्कुल साफ साइन करना। उसके बाद दोस्तों नीचे साइड में दूसरे पेज में आपको क्या करना है, दूसरे पेज में यहाँ पे नेम देना है जो आपका नाम है, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा, डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि आपकी आईडी का नंबर जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ सिग्नेचर, मतलब जिस तारीख को आप अपलोड कर रहे हो ये चीज़, वो डेट यहाँ पर डालनी होगी साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ। उसके बाद सिग्नेचर मांग रहा तो सिग्नेचर फिर से कर देना चौथे बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों इस पेज में कुछ नहीं करना, दो आपके पेज भर जाएंगे। उसके बाद तीसरे पेज में वही करना जो आपने इससे पहले पेज में किया, यहाँ पे नेम देना है, डॉक्यूमेंट नंबर देना है, डेट ऑफ सिग्नेचर देना है, उसके बाद सिग्नेचर देना है। जब आप दो ये पेज भर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले में चॉइस फाइल से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे तीन पेज की जो आपकी आपने ये तीन पेज डाउनलोड किए थे, इनको मतलब आप फोटो कॉपी वाली दुकान पे जाके इनको प्रिंट करवा लीजिए, उसके बाद भर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे फ़ोटो खींच लीजिए इन तीनों पेज की, और यहाँ से तीन पेज जो हैं अपलोड कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना फ़ोटो कॉपी निकलवाए इनकी और फ़ोटो एडिट करके तब आप भरेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने हाथ से पेन से भरना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे साइड में आके रिक्वेस्ट अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे रिक्वेस्ट अप्रूव पे क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो जाएगी। 1 से 5 दिन लगते हैं, पर आपका 24 घंटे में बता दिया जाता है। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तब भी, अगर आपका सही होगा तो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप रेवेन्यू जो है जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी रेवेन्यू जो है वो बनने लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल पे एसेट मास्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी।